We will start with a very quick revision of last session. पिछले लेक्चर में हमने, if you remember, we have seen triangle law of vector addition in detail, and we started with parallelogram law of vector addition. तो the basic idea ये था कि हमारे पास दो vectors थे, दो vectors को हमको add करना है और ये देखना है कि इन दोनों का addition मतलब resultant क्या आएगा. तो वी हैव टेकन अ वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए विच इज पी बार. हमारे पास और एक वेक्टर है क्यू बार, राइट, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट बी, ये था क्यू बार. इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमको फाइंड करना था. लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे. क्या लिखते थे हम लोग? व्हाट यू कैन राइट इफ इफ P bar and Q bar अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम डायरेक्टली लिखते हैं R bar equal to P bar plus Q bar. ये वेक्टर फॉर्म है. मैग्नीट्यूड के लिए भी हम लिखते हैं R equal to P plus Q, लेकिन ये कब? जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन हो सेम. लेकिन इस केस में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो रिजल्टेंट तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो P plus Q. And according to triangle law of vector addition, which is resultant vector hai R bar, it starts from O and ends at B. Right? तो ये आ गया आपके पास R bar. Good. इसके बाद हमने ये प्रूव किया था, इसमें हमने शो किया था कि जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और पहले तो डिफाइन भी करना पड़ेगा, डिफाइन हमने ऑलरेडी करके रखा है. Do you remember the statement? If two vectors P bar and Q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of incomplete triangle, then the resultant R bar is represented in magnitude and direction by the third side of triangle starting from tail of first vector and ending at head of second vector. तो ये उसका स्टेटमेंट था, और स्टेटमेंट के बाद डायग्राम के बाद R bar equal to P bar plus Q bar, करेक्ट. ध्यान यहाँ पे चाहिए, एब्सोल्युटली हियर, ध्यान पूरा का पूरा यहाँ पे. देन यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रूव किए थे. पहला था कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब डजंट मैटर कि आप P बार में Q बार ऐड कर रहे हो या फिर Q बार में P बार ऐड कर रहे हो, एक ही चीज है. नोटेशन इफ आई रिमेम्बर, इंस्टेड ऑफ P एंड Q हमने लिया था A बार प्लस B बार, एंड दिस इज B बार प्लस A बार. हमने इसको प्रूव भी किया है, सो आई विल डू इट वंस अगेन वेरी क्विकली. यू हैव अ वेक्टर A बार, यू हैव अदर वेक्टर B बार. A बार कहाँ से स्टार्ट हुआ? O से. कहाँ खत्म हुआ? P पे. B बार कहां से स्टार्ट हुआ? P पे. कहां खत्म हुआ? Q पे. तो ये वेक्टर कौन सा है? A. ये वेक्टर कौन सा है? B. तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं A बार प्लस B बार कर रहा हूं तो रिजल्टेंट विल स्टार्ट फ्रॉम O एंड एंड एट Q. ये आ गया रिजल्टेंट R. सिमिलरली अगर मुझे B बार में A बार ऐड करना होगा, इफ यू वॉन्ट टू एड, जस्ट अ मिनट, समथिंग रॉन्ग हैपेंड. व्हाट हैपेंड? Just a minute. Yes. Okay. Then imagine हमको उल्टा करना है. उल्टा मतलब पहले किसको लिखना है? B बार को. फिर किसको लिखना है? A बार को. मतलब क्या करना है? B बार प्लस A बार. लेकिन ट्राइंगल लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा क्या? नहीं हो सकता. Why not? क्योंकि ट्राइंगल लॉ का कंडीशन क्या है? दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहां पे पहला वेक्टर खत्म होता है. तो B बार प्लस A बार करना है तो B बार प्लस A बार करने के लिए पहला वेक्टर कौन सा लिखा आपने? B. तो जहां B वेक्टर खत्म होता है, कहां खत्म होता है? Q. वहां से कौन स्टार्ट होना चाहिए? A. ऐसा है क्या? नहीं. तो हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे. वी विल शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, परमिशन है कि आप एक वेक्टर को उठा के कहां पे भी रख दो, प्रोवाइडेड आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे. नंबर टू, ए बार
बी बार प्लस ए बार करने के लिए ए शुड स्टार्ट वेयर बी एंड्स, तो इसको भी हम लोगों ने मूव कर दिया राइट right. अब इसको नया नाम दे दो, कॉल इट एज समथिंग मे बी एस। तो अब जहां बी बार खत्म हुआ वहां से ए बार स्टार्ट हुआ, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग द रिजल्टेंट ऑफ बी बार प्लस ए बार विल स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड एंड एट क्यू, ओ टू क्यू। तो पहले केस में भी तो यही था, जब आपने ए में बी ऐड किया तभी भी सेम सिचुएशन था, जहां से ए स्टार्ट हुआ कहां से स्टार्ट हुआ ओ से, जहां बी खत्म हुआ कहां पे क्यू पे, तो रिजल्टेंट क्या था ओ टू क्यू। दूसरे केस में रिजल्टेंट क्या है फ्रॉम ओ टू क्यू, इसका मतलब आप ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो इट इज सेम करेक्ट। मैंने सिर्फ नोटेशन चेंज किए थे, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस पी किया था, तो डजंट मैटर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन हमने प्रूव किया था इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए कितने वेक्टर चाहिए, तीन, तीन वेक्टर चाहिए। तो हमारे पास पहला वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है लेट अस से बी बार, तो ये आ गया आपके पास ए बार स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंडिंग एट लेट अस से पी, ये है ए। देन वी हैव सेकेंड वेक्टर विच स्टार्ट्स एट पी एंड एंड्स एट क्यू, इसको भी हुआ था बी। देन वी हैव थर्ड वेक्टर, हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है जो क्यू से स्टार्ट होगा और लेटर से एस पे खत्म होगा, इसको भी हुआ था सी राइट। तो हमारे पास ए बी और सी है। एसोसिएटिव लॉ हमको क्या बताता है, पहले तो ये समझ लो कि एसोसिएटिव लॉ में भी क्या कर रहे हो आप, एडिशन। किसका एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन। कितने वेक्टर्स का एडिशन, तीन वेक्टर का एडिशन। जब तीन वेक्टर का एडिशन होता है तो रिमेंबर उसमें हम दो वेक्टर को पहले ऐड कर सकते हैं और बाद में तीसरा ऐड करेंगे। तो व्हाट यू कैन डू इज आप पहले दो को ऐड करो ए प्लस बी, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करने के बाद एक वेक्टर मिलता है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, उसमें कौन ऐड करोगे सी। या उल्टा कर लो, या आप बी और सी को ऐड करो, बी और सी को ऐड करने के बाद एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर में किसको ऐड करोगे ए को राइट। तो एसोसिएटिव मतलब इन दोनों में कौन कॉमन, बी। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एडिंग थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, तो यू कैन एसोसिएट बी विथ ए या फिर यू कैन एसोसिएट बी विथ सी, मतलब बी को ए में ऐड कर लो फिर सी ऐड करो, या फिर बी को सी में ऐड करो और ए ऐड करो, आंसर इज सेम। तो हमने ये प्रूव किया था कल, तो इन लास्ट सेशन वी हैव प्रूव दिस अगेन, वी विल डू इट एक्सट्रीमली क्विकली, डजंट मैटर, इट विल टेक फ्यू मिनट्स बट रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। पहले हम देखेंगे LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। जब आप ए बार प्लस बी बार लिख रहे हो, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो ए और बी को, कौन सा लॉ यूज होगा, ट्राइंगल लॉ। व्हाट इज ट्राइंगल लॉ, रिजल्टेंट विल स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कौन है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ओ, एंड एंड एट हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, कौन है हेड क्यू। तो ए प्लस बी इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो व्हाट आई विल गेट इन दिस केस इज दिस वेक्टर, तो आई विल गेट a vector starting from O ending at Q. इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं R1 bar. तो ये क्या आ जाएगा? R1 bar plus C bar. Right? इसका मतलब अब ये हो गया कि now you can neglect these two vectors, छोड़ दो इसको, क्योंकि A और B add होके एक single vector बन गया, कौन सा बना R1. अब आप R1 में किसको add कर रहे हो C को, तो वापिस से कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। जहां पे R1 खत्म होगा, कौन से पॉइंट पे खत्म हुआ, Q पे राइट करेक्ट। देन सेकंड वेक्टर C बार कहां से स्टार्ट हुआ, जहां पे R1 खत्म हुआ, मतलब Q से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया S तक। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, रिजल्टेंट विल स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ R1 एंड एंड एट हेड ऑफ C, तो ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर विच इज नथिंग बट आर बार। तो इन दोनों को क्या बोल दिया हमने, आर बार। क्लियर यहां तक,
देन हमने पहले ए और बी को ऐड किया था, हम पहले बी और सी को भी ऐड कर सकते थे। तो अगर हम बी और सी को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड बी एंड सी फर्स्ट, तो राइट हैंड साइड आरएचएस क्या था, आरएचएस ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। तो हम पहले बी को और सी को ऐड करेंगे, कौन से रूल क्या अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ट्रायंगल लॉ। तो रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा, टेल ऑफ बी मतलब कौन, और कहां खत्म होगा, हेड ऑफ सी मतलब एस। तो ये आ गया आपके पास आर टू बार, इसको बोल देंगे आर टू बार। तो ये आ जाएगा ए बार प्लस आर टू बार, इसका मतलब अब इन दोनों का एडिशन हो गया, तो इन दोनों को यहाँ से हटा दो, इन दोनों का रोल खत्म यहाँ पे, गुड। फिर आप ए बार में किसको ऐड कर रहे हो, आर टू। तो कहाँ से स्टार्ट होगा रिजल्टेंट, ओ कहाँ खत्म होगा, ओ टू एस। ये आ गया आपके पास आर बार। तो दोनों ही केस में रिजल्टेंट वेक्टर ओ से स्टार्ट होता है एस पे खत्म होता है, ओ से स्टार्ट होता है एस पे खत्म होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू ए बार अलग और बी बार प्लस सी बार एक ब्रैकेट में। Hence you have shown that vector addition is associative. तो यहाँ पे इतना ही मतलब होता है कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। ए प्लस बी पहले करो उसमें सी ऐड करो, या ए को साइड में रखो बी और सी को ऐड कर लो पहले फिर ए ऐड करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने कल मैग्नीट्यूड तक सॉल्व किया था, बट वी आर येट टू राइट डाउन स्टेटमेंट ऑल्सो। तो जो अगला था, अगला टॉपिक था, वो था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से आगे मैं स्पीड कम करूंगा, अब रिवीजन हमारा हो गया कल का, इसको वापस डिटेल में देखना है। तो ट्रायंगल लॉ में जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ पी पॉइंट पे, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, क्यू तक। ये कौन सा वेक्टर था, इसलिए हम वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में ये वर्ड यूज करते थे, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि जब हम ट्रायंगल लॉ से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं तो नया लॉ क्यों चाहिए। तो नया लॉ हमको इसी के लिए चाहिए क्योंकि हमेशा, नॉट ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस, हमेशा पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ दूसरा वहां से स्टार्ट हुआ ऐसा होगा ही, यू कैनॉट से। तो हो सकता है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स कहां से स्टार्ट हुए, सेम पॉइंट से, सेम कॉमन पॉइंट से। जैसे ट्रायंगल लॉ में हमारे पास जो दो वेक्टर थे दे वेर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्रायंगल। यहाँ पे जो दो वेक्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब दोनों का टेल सेम पॉइंट पे है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कौन सा है, इनकम्प्लीट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे बाद में, राइट। यहां तक क्लियर। तो बेसिक डिफरेंस से याद रखो, वहां पे टू एडजेसेंट नहीं वर्ड यूज किया था हमने यूज किया था टेकन इन ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल, यहाँ पे टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बाकी चीजें मोस्टली सेम होगा, जैसे वहां लिखा था इफ टू वेक्टर्स, कौन से टू वेक्टर्स, p बार एंड q बार ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम टाइप मतलब दोनों के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट होंगे या दोनों के दोनों एक्सेलरेशन, दोनों के दोनों वेलोसिटी या दोनों के दोनों फोर्स,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन दोनों का टाइप करना चाहिए सेम, करेक्ट। तो इफ टू वेक्टर्स p बार एंड q बार, यहाँ पे हमने क्या यूज किया a बार एंड b बार, तो नाम चेंज कर देंगे। इफ टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, नोटेशन मैटर नहीं करता, आई एम टेलिंग यू अगेन। हो सकता है मैंने टेक्स्ट बुक में नोटेशन, मतलब नोट्स में नोटेशन अलग दिया हो, डजंट मैटर, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आइडिया। तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको ए बोल दूं चलेगा, इसको यहाँ पे पी बोल देता हूँ, ओके डन, नो इश्यू। इसको भी ऐसा चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो बहुत जगह पे नोटेशंस हियर इन लेक्चर एंड नोटेशन देयर इन योर नोट्स विल बी डिफरेंट। नाम तो नाम है, क्या फर्क पड़ता है, राइट, गुड। देन इफ टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम then the resultant क्या है, रिजल्टेंट डायगोनल, किसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का। तो हमने क्या किया, पहले इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया, तो वी विल फर्स्ट कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट। फिर जो पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल होगा, दैट डायगोनल विल बी रिजल्टेंट। तो डायगोनल मतलब क्या क्या होता है, डायगोनल, व्हाट इज डायगोनल, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज जॉइनिंग टू अपोजिट पॉइंट्स। तो यहाँ पे दो है, फिर एक बी टू ए है, एक ओ टू सम पॉइंट, करेक्ट। तो यहाँ पे जो डायगोनल हम बात कर रहे हैं वो कौन सा डायगोनल है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओ से, राइट। तो रिमेम्बर ये जो रिजल्टेंट है इसको पॉइंट सी बोल देंगे, लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट सी। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड then the resultant is represented in magnitude and direction by कौन दे रहा resultant हमको, diagonal, right, by the diagonal of parallelogram। और ये diagonal कहां से start हुआ, Starting from the same point, मतलब जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट से ये डायगोनल स्टार्ट हुआ, यहां तक क्लियर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है वहां पे टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल और रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड। यहाँ पे टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, then the resultant is represented in magnitude and direction by diagonal, correct, good। So अब क्योंकि हमको, हमने पिछले टॉपिक मतलब ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट का ना मैग्नीट्यूड निकाला था ना डायरेक्शन निकाला था, तो अब हमको दोनों ही करना पड़ेगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया आर बार, इसका मैग्नीट्यूड कितना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज ये P और Q, ये है डिस्प्लेसमेंट, सपोज P है 5 मीटर और Q है 7 मीटर, तो द क्वेश्चन इज जो रिजल्टेंट है R वो कितना मीटर। तो आप डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते हो, 5 प्लस 7 बोल नहीं सकते क्योंकि बोथ ऑफ देम आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, 7 माइनस 5 भी नहीं बोल सकते, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो फिर हमको अगर
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ता है कि इन दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है वो देखो। तो कितना है थीटा, तो स्पेसिफाई कर दो। हम लोग पहले जो जो यूज करना है वो सब स्पेसिफाई करते जाएंगे। लेट लेट पी बार एंड क्यू बार बी द टू वेक्टर्स, बी द टू वेक्टर्स, एंगल कितना है दोनों में, कितना है थीटा, राइट। तो इसको लिखते कैसे, इसको बोलते हैं अलाइंड, अलाइंड एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर, मतलब दोनों में एंगल कितना है थीटा। ये नॉर्मल लिखने का लैंग्वेज है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में आप बोलते हो अलाइंड, राइट। ज्यादा हैवी हो गया तो कुछ ना, हैवी हो गया तो मत लिखना, ऐसा बोलना लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, ऐसा भी लिख सकते हो थीटा बी द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। देन हमको करना क्या था, हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे मैग्नीट्यूड, और उससे भी पहले एक काम करेंगे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर बार, इसका भी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। लेट लेट आर बार बी द रिजल्टेंट वेक्टर, बी द रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड एंडिंग एट, कहाँ एंड हुआ, एट पॉइंट सी। अब फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास कौन से दो चीजें होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। अगर आपको कल का लेक्चर याद है, रिवाइज करके आए हो, तो आपको इमिडिएटली ये क्लिक होगा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, लेकिन नन ऑफ दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे अगर आर फाइंड करना है तो डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको आर फाइंड करना था तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये आर खुद बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर आर को हाइपोटेन्यूज करना है तो सबसे पहले इस लाइन ओ ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। तो एक्सटेंड लाइन ओ ए, एक्सटेंड लाइन ओ ए। एक बार लाइन ओ ए एक्सटेंड कर लिया तो उसके बाद सी पॉइंट से इस ओ ए लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन एक्सटेंडेड लाइन ओ ए विच मीट्स लाइन ओ ए एट पॉइंट डी, करेक्ट। तो विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप या ड्रॉ एक ही चीज है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम कौन सा पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी विच cuts or meets line OA at point B. क्या तक क्लियर? अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये बन गया अभी राइट एंगल ट्राइंगल, गुड। अब ये जो एंगल है CAD, ये एंगल भी कितना आएगा थीटा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, राइट। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू थीटा फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, तो ये तो स्टार्ट ही है, आपको समझ में अभी से आ रहा होगा कि फिजिक्स के लिए मैथ्स लगता है, एंड दैट इज द रीजन 70% बच्चों को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, नॉट बिकॉज फिजिक्स इज डिफिकल्ट, बिकॉज मैथ्स के बेसिक्स चाहिए। फिजिक्स करना है तो केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, फिजिक्स करना है तो मैथ्स का नॉलेज चाहिए, फिजिक्स करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, और फिजिक्स करना है तो आखिरी में फिजिक्स चाहिए। तो पहले ये तीन चीजें और आखिरी में फिजिक्स, राइट। तो स्कूल लेवल का मैथ इतना ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत लगेगा, राइट। तो अब ये एंगल आ गया, उसके बाद अल्टीमेटली एम क्या था, क्या एम था हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, कौन है आर, ओ सी,
तो अगर मैं ट्राइंगल ओ सी डी लेता हूँ तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बट ये जो OD था ये है OA प्लस AD, दिस इज OA प्लस AD। देयरफॉर OC स्क्वायर इक्वल टू OD विल बी OA प्लस AD, OA प्लस AD स्क्वायर प्लस कौन है ये DC स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, लेकिन ओ डी है ओ ए प्लस ए डी, तो ओ सी स्क्वायर इज ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, मैंने अभी भी बोला इतना स्कूल लेवल का मैथ्स लगेगा, a square plus 2ab plus b square. So therefore OC square equal to OA square into AD plus AD square plus BC square. अब एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट था इसको ओपन कर देंगे, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया और ऐसा करेंगे AD square और DC square को एक ब्रैकेट में डाल देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं AD square और DC square को एक ब्रैकेट में डालता हूं, AD square plus DC square, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ADC, इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा AC square, करेक्ट? राइट, तो लिख लें यहां पे बट फ्रॉम ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी सी, ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। एंड देयरफॉर ये जो ओ सी स्क्वेयर है ये था ओ ए स्क्वेयर प्लस टू ओ ए इंटू ए डी प्लस ए सी स्क्वेयर, क्योंकि ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर को हमने लिख दिया ए सी स्क्वेयर, करेक्ट? राइट, गुड। देन इफ यू सी ओसी, ये कौन था आर। तो हमको ऑलरेडी पता है ओसी इज इक्वल टू आर और ओए, ओए कौन है पी, P, OA is magnitude of vector P, and AC, AC कौन है? Magnitude of vector Q. तो जानबूझ के मैं ये word use कर रहा हूँ, magnitude of, ये slow dose है, धीरे धीरे, पहले दिन ही बता देता, magnitude, vector लिखा क्या आपने? जब vector sign नहीं डालता तो वो कौन होता है? Magnitude होता है। तो अभी ये आदत डाल लो, जब मैंने बोला मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, राइट? क्यों नहीं? क्योंकि स्क्वायर जब लोगे, आगे सीखोगे, जब भी वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो वहां से डायरेक्शन ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। वो कैसे गायब होता है वो बाद में सीखेंगे। एनी वेक्टर जब उसका स्क्वायर करते हो तो यू डू नॉट राइट डाउन डायरेक्शन, ओके। अब देयरफॉर ओसी कौन है? R, OA कौन है? P, plus 2 OA is P, AD पता नहीं, रहने दो, फिर पता नहीं तो बाद में देखेंगे, और AC कौन है? Q, right? But from triangle ADC, ये जो ADC triangle था, इसमें अगर मैं sin theta use करता हूँ, sin theta में क्या आता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमको चाहिए कौन था? AD कौन है? एडजेसेंट साइड। तो साइन थीटा यूज होगा कि कॉस थीटा यूज होगा?
क्योंकि बाय डेफिनेशन cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज एडजेसेंट कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC. So from triangle ADC cos theta is adjacent मतलब AD upon hypotenuse मतलब AC. Therefore you will have AD equal to AC cos of theta. लेकिन AC कौन था Q, तो ये क्या आ गया Q cos theta. And therefore, ये जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, therefore इक्वेशन वन बिकम्स आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस टू पी, एडी मतलब कौन, क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वेयर, therefore आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस, एक काम करो क्यू स्क्वायर को पहले लिख लो, प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा. यहां तक क्लियर? तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर. अब जो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो वो एक्चुअली यहां से भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था पी फॉर एग्जांपल, और ये है क्यू फॉर एग्जांपल, दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये जो वेक्टर है ये है आर, तो आर स्क्वायर क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 90. तो हमने जो इक्वेशन डिराइव किया आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या था प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा. थीटा मतलब कौन, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कितना है 90. व्हाट इज कॉस 90, जीरो. तो आखिरी टर्म जीरो, अगर आखिरी टर्म जीरो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू, आ गया है पाइथागोरस थ्योरम, राइट, गुड. तो एंगल 90 होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम पाइथागोरस थ्योरम. तो दिस इज हाउ यू कैन शो. यहां तक क्लियर? तो अगर मैं अब बोलता हूं मेरे पास दो वेक्टर है A bar and B bar. What is the formula of resultant, magnitude of resultant of A bar and B bar? Under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. मैंने यहाँ पे P और Q notation लिया है, लेकिन हमेशा notation same नहीं रहेगा. A और B बोल दो, B और C बोल दो. तो B square plus C square plus 2BC cos theta. Correct? If I tell you, we have two vectors, A bar equal to 3i cap, B bar equal to 4j cap. What is the resultant R bar? What is i cap? Which direction? X direction. What is j cap? Y direction. मतलब A bar 3i cap, a bar equal to 3i cap लिखना मतलब कौन सा डायरेक्शन है x, b bar equal to 4j cap लिखना मतलब कौन सा डायरेक्शन है, what is the angle between these two vector 90, right? तो theta कितना है 90, तो resultant क्या आएगा under root of 3 square plus 4 square मतलब under root of 9 plus 16 मतलब under root of 25 मतलब कितना, right? So this is what you need to understand. ये ध्यान देना, हमेशा याद रखना ये आई जे के हमने इससे सीखा था आई कैप जे कैप के कैप, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस. यहां तक क्लियर? अब तक तो एक ही पार्ट हुआ मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो अभी डायरेक्शन फाइंड करते हैं. लेट अस फाइंड आउट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर बार. एंड इफ यू रिमेंबर मैंने कल ही आपको बताया था कि डायरेक्शन फाइंड करना मतलब एंगल फाइंड करना, क्योंकि एंगल विल गिव यू डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला आई एम मूविंग एट 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट, मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. इफ आई से आई एम मूविंग, देखो जब मैंने बोला ना आई एम मूविंग एट 45 विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट,
लेकिन ये याद रखना, यहाँ पे भी 45 हो सकता है, तो साउथ ईस्ट भी हो सकता है ये। अब आप, आई डोंट नो अगर मैथ्स में आपका डायरेक्टेड एंगल हुआ है कि नहीं, क्योंकि बेसिक पहले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स शुड बी एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो 11th और सॉरी 10th और 11th का डिफरेंस क्या है? 10th तक एंगल एंगल था, डन। 11th में एंगल डायरेक्टेड एंगल है। डायरेक्टेड एंगल मतलब अब इसके आगे आप जब भी एंगल मेजर करोगे तो रूल नंबर वन, नॉर्मली एंगल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कौन सा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम मेजरमेंट स्टार्ट कहां से करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव। तो मैंने बोला 45 डिग्री, मैंने क्या बोला? +45 डिग्री। मतलब ये बाय डिफॉल्ट था कि +45 बोलना मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना, मतलब ईस्ट से नॉर्थ के बीच में होना। तो डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं बोलता व्हाट इज द डायरेक्शन एट -45 विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट? साउथ ईस्ट। गुड। तो इसके आगे याद रखना, अब एंगल को भी डायरेक्शंस है। क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल। अब एक काम करेंगे, अब जब मैं एंगल की बात कर रहा हूं तो और दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा है कि एंगल फाइंड करते वक्त ये जो आर बार था, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। कौन से दो वेक्टर का? पी बार का और क्यू बार का। तो हम एंगल फ्रॉम पी भी मेजर कर सकते हैं या फिर हम एंगल फ्रॉम क्यू मेजर कर सकते हैं। तो वी कैन मेजर इधर फ्रॉम पी और फ्रॉम क्यू। तो मैं एक आपको करके बताऊंगा, दूसरा मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा, दैट यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। वो डेरिवेशन कैसे आएगा वो आपको करना है। तो लेट लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय, किसने एंगल बनाया? आर बार। किसके साथ बनाया? पी बार। एंड बीटा बी द एंगल मेड बाय विथ क्यू बार। तो पहले से ये स्पेसिफाई कर देंगे, तो लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन, एंगल मेड बाय या फिर एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार, एंड बीटा बी द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर बार एंड क्यू बार। तो या तो अल्फा फाइंड कर लो या तो बीटा फाइंड कर लो, कोई भी एक, वी विल गो फॉर अल्फा। गुड। अब एक चीज और याद रखना, वेक्टर्स में कभी भी ऑलवेज, इट इज ऑलवेज कंडीशन, जब आपको डायरेक्शन फाइंड करना होता है तो आप हमेशा यूज करते हो टैन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीन है, एक्चुअली दो ही है, कौन से दो? साइन एंड कॉस। बाकी सब साइन या कॉस से बना है या फिर साइन एंड कॉस से बना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा क्यों बोला? बाकी सब साइन या कॉस से बना है या फिर साइन एंड कॉस से बना है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। ये किससे बना है? साइन एंड कॉस। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कौन है? कॉट थीटा। ये किससे बना है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। व्हाट इज वन अपॉन कॉस? सेक थीटा। तो सेक इज मेड अप ऑफ कॉस। व्हाट इज वन अपॉन साइन? कोसेक। व्हाट इज मेड अप ऑफ साइन? तो दो ही बेसिक फंक्शन है, साइन एंड कॉस। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल? ओ सी डी। ओ ये यहां से ये ट्रायंगल, मैं थोड़ा इसको शिफ्टेड दिखा रहा हूं जानबूझ के, अगर ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, करेक्ट? तो इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा यूज करता, ये यहां पे साइन थीटा की जगह पे कौन यूज करेंगे? अल्फा। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो यहां पे हम लोग एक काम करेंगे, वो ट्रायंगल लेंगे ओ सी डी,
ये आ गया ओ पॉइंट, ये आ गया डी पॉइंट, ये आ गया सी पॉइंट, यहाँ था ए पॉइंट और ये था आपका ए सी, उसमें से ओ ए था पी बार, ये था क्यू बार, ये एंगल है अल्फा। क्लियर? गुड, राइट। देन इफ आई टेक साइन, व्हाट इज साइन? अपोजिट, कौन अपोजिट? सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। इफ आई टेक कॉस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इफ आई टेक टैन, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जो मैं अभी बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि ये एक इंटरव्यू में पूछा था कि डायरेक्शन निकालते वक्त आप लोग टैन थीटा ही क्यों यूज करते हो, साइन एंड कॉस क्यों नहीं? तो अगर मैं साइन लेता, साइन में कौन आता? सी डी। कौन सा डायरेक्शन है? वाई, राइट। और अगर मैं कॉस लेता तो कौन आता? एक्स। लेकिन मैं जब टैन लेता हूं तो दोनों आते हैं, वाई एंड एक्स। तो टैन थीटा बेसिकली हैज इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ वाई एंड एक्स। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर याद है, जो याद होना चाहिए, मैंने बार बार बोला कि हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज ईस्ट आई कैप, वेस्ट इज माइनस एक्स तो माइनस आई कैप, नॉर्थ इज वाई मतलब जे कैप एंड साउथ इज माइनस जे कैप। तो डायरेक्शन के लिए मुझे दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए ना मेरे को, ईस्ट भी चाहिए नॉर्थ भी चाहिए, मतलब एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए, करेक्ट। तो दैट इज वाई अगर मैं टैन लूंगा तो टैन में क्या आया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन था? एडजेसेंट कौन था? तो दोनों आ गए। तो डायरेक्शन के लिए कभी भी साइन और कॉस नहीं यूज होता है, कौन यूज होता है? टैन। तो कभी भी बोला हो फाइंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर तो क्या यूज करोगे? टैन। क्या यूज करोगे? टैन। तो ये दिमाग में फिट कर लो अभी से, तो क्या यूज करेंगे? टैन। हमको किसका डायरेक्शन चाहिए? आर बार का। एंगल कितना है? अल्फा। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? टैन ऑफ विच एंगल? अल्फा। तो फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी डी टैन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट, कौन है अपोजिट? सी डी अपॉन अपॉन एडजेसेंट, कौन है एडजेसेंट? ओ डी, राइट। लेकिन लेकिन ओ डी क्या था? ओ ए प्लस ए डी, बट सी डी को फिलहाल रखो, बट वॉट वॉज ओ ए पी, वॉट वॉज ए डी? डू यू रिमेम्बर ए डी कौन था? कौन था? क्यू कॉस थीटा, करेक्ट, राइट। लेकिन सी डी पता है क्या? नहीं। तो आप पता कर लो, ये एंगल कितना था? थीटा। ये अल्फा अलग है, वो थीटा अलग है। थीटा एंगल है पी बार और क्यू बार में, अल्फा एंगल है रिजल्टेंट में और एक्स एक्सिस में, मतलब रिजल्टेंट में और पी बार में। यहां तक क्लियर? पक्का 100%? तो अब ये ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल? ए सी डी। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी हमको क्या फाइंड करना है? ये थीटा का कोण है अपोजिट, तो क्या यूज होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर टू। यहां से मिल जाएगा आपको सी डी, सी डी इक्वल टू ए सी साइन थीटा, लेकिन ए सी कौन था? क्यू। तो क्या आ गया? क्यू साइन थीटा। Therefore, equation number two becomes, tan alpha, equal to CD. What is CD? Q sine theta upon P plus Q cos theta. ये मिल गया आपको tan alpha. हमको क्या चाहिए था? Alpha. क्योंकि direction कौन बताता है? Angle.
डायरेक्शन कौन बताता है? एंगल। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री हुआ क्या थोड़ा सा? यस यस। अब मुझे फिर एक बात बताओ, अगर हुआ है तो हम अगर लिखते हैं tan of 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो फिर 45 डिग्री को कैसे लिखते हो? tan inverse of 1। पता नहीं, is there anyone who does not know inverse? सबको पता है राइट, tan 45 is 1, तो 45 is tan inverse of 1। वेरी गुड। हमारे पास क्या है? tan अल्फा, तो अल्फा क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर? गुड। ये मिल गया एंगल, किसका एंगल? रिजल्टेंट का, मतलब डायरेक्शन किसका? रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू p। दिस वॉज डायरेक्शन ऑफ r बार विद रिस्पेक्ट टू p बार। अब ये भी तो फाइंड कर सकते थे कौन सा बीटा, राइट? सिमिलरली वो मैं नहीं करके दूंगा, वो आपको खुद को करना है प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ मैं बता दूंगा कि याद कैसे रखते हैं। तो याद कैसे रखते हैं, फ्यू थिंग्स यू शुड ऑल्सो बी प्रैक्टिसिंग, खुद को भी करना चाहिए। क्या फाइंड कर रहे हो अभी आप? कौन फाइंड करना है अभी? बीटा। You know, there's a famous dialogue. इसकी टोपी उसके सर। तो इधर इसकी टोपी उसके सर। जहां पे Q है वहां पे P जाएगा, जहां पे Q है वहां पे P जाएगा, जहां पे P है वहां पे Q आएगा। यह आंसर आना चाहिए। This is what you should be getting. P sin theta upon Q plus P cos theta. तो सिर्फ P और Q को क्या करोगे? इंटरचेंज। मिल गया बीटा। तो अल्फा फाइंड कर लो और बीटा के लिए क्या करो? सिर्फ P और Q की प्लेस को इंटरचेंज कर दो। दिस इज अ ट्रिक ऑफ रिमेम्बरिंग। क्योंकि क्या होता है ना, हम नॉर्मली जैसे मैथ स्टार्ट हुआ, मैंने अभी इसलिए पहले ही आपसे पूछा एंगल कहाँ से मेजर करते हो, कहाँ से मेजर करते हो? एक्स एक्सिस से। तो हम बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में होते हैं कि एंगल कहाँ से मेजर करना है? एक्स एक्सिस। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर था हमारे पास? कौन सा वेक्टर था? पी। तो फिर हमने कहाँ से स्टार्ट किया मेजर करना? पी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, याद ही नहीं, तो याद करने की जरूरत भी नहीं। एक पता है तो दूसरा अपने आप पता है। क्लियर? गुड। तो अभी तक जो कुछ तुमने सीखा पहले उसको रिकलेक्ट करो, फिर मैं अभी अगले टॉपिक पे जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो कहां से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया था स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में सिर्फ था मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड, राइट? एंड वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी क्लासिफाइड completely classified, completely described, जिसका complete information के लिए हमको दो चीज चाहिए, magnitude and direction, right? फिर हमने vectors को, vectors के type देखे थे, null vector, resultant vector, opposite vectors, equal vectors, position vector, unit vector. Unit vector में हमने देखा कि अगर मुझे x direction बताना है तो i cap, y बताना है तो j cap, z बताना है तो k cap. East मतलब i cap, west मतलब minus i cap, नॉर्थ मतलब जे कैप, साउथ मतलब माइनस जे कैप, करेक्ट? इसके बाद हमने देखा था वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन था मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विद अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। फिर हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, राइट? फिर हमने देखा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने दो प्रॉपर्टीज को प्रूव किया, कम्यूटेटिव लॉ एंड फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बेसिक डिफरेंस हमने समझा। देन दोनों ही केस में हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया आर। सिर्फ
पैरेललोग्राम लॉ में हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फाइंड किया। ट्राइंगल लॉ में किया था क्या? नहीं, करना भी नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दो अलग चीज है ही नहीं। बुक में दिया है तो मुझे पढ़ना पड़ा। हाँ दो है, ठीक है दो है, लेट अस से दो है, लेकिन दो है क्या? वो दोनों सेम है, एक ही चीज के दो नाम है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे आपने फाइंड किया है वही फॉर्मूला वहां पे एज इट इज यूज होगा। गुड राइट, यहां तक क्लियर? मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पे भी, इसमें भी, और ट्राइंगल लॉ में भी, और नॉर्मल एडिशन। नॉर्मल एडिशन मतलब व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स अलोंग सेम डायरेक्शन। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है, तो हमने एक वेक्टर लिया, हमने दूसरा वेक्टर लिया, इन दोनों को कंबाइन करके बना दिया सिंगल वेक्टर। क्या बनाया इसको? सिंगल वेक्टर। तो अभी तक हम कर क्या रहे थे? अभी तक हम दो वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बना रहे थे। उस प्रोसेस को बोलते हो फाइंडिंग रिजल्टेंट थ्रू एडिशन। अब इसका उल्टा करना है, मतलब सिंगल वेक्टर है, इसके टुकड़े करने हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स? जैसे ये पी बार और यहां पे एक वेक्टर है क्यू बार, इन दोनों को ऐड करके बन गया आर बार, राइट? करेक्ट। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब आर बार के दो टुकड़े कर देता हूं, टू पार्ट्स, तो ये जो दोनों पार्ट्स है इसको बोलेंगे कंपोनेंट्स, राइट? तो दीज टू पार्ट्स, एक सिंगल वेक्टर लिया उसके दो पार्ट्स कर दिए, तो दीज पार्ट्स विल बी कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, राइट? तो ये प्रोसेस उल्टा प्रोसेस है। पहले प्रोसेस क्या था? कंबाइन करना। अब क्या है? स्प्लिट करना, उसके टुकड़े करना। तो इसको जनरल नाम हम लोग देते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व करना, मतलब क्या फाइंड करना? कंपोनेंट्स फाइंड करना, मतलब एक वेक्टर के क्या करना? टुकड़े करना, करेक्ट, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग a vector into components is known as resolution of vectors. So did you get the basic idea what I am trying to say? Right? तो दो वेक्टर्स को मर्ज करके सिंगल बनाना, उसको बोलते हैं एडिंग वेक्टर्स, फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एक सिंगल वेक्टर के पीसेस करना, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग वेक्टर्स, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, राइट, करेक्ट। अब इफ यू सी, हमारे पास जो दो वेक्टर थे, पी बार था और एक वेक्टर था क्यू बार, ये दोनों वेक्टर्स नॉट नेसेसरली एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हमने क्या किया था? हमने दो वेक्टर लिए थे विच आर एट सम एंगल टू ईच अदर, राइट? ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ही, पता नहीं। तो ये जो दो वेक्टर थे ये परपेंडिकुलर नहीं है। हमने क्या किया? इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके क्या क्या बना लिया? सिंगल वेक्टर। उसको क्या नाम दे दिया? आर बार, करेक्ट, राइट। अब अगर मुझे आर बार के पीसेस करने हैं, मतलब मुझे इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं? कंपोनेंट्स। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो दो कंपोनेंट मैं फाइंड करूंगा, मे बी ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं हो, है क्या परपेंडिकुलर? तो मैंने आर वेक्टर लिया, उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े को बोल दिया पी बार, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको बोलूंगा मैं आर वन बार, और जो दूसरा पीस है उसको नया नाम दे देता हूं, उसको बोलता हूं आर टू बार।
तो आर वन बार एंड आर टू बार आर सेड टू बी कंपोनेंट्स ऑफ आर बार। तो ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि ये जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दो कंपोनेंट्स मैं फाइंड कर रहा हूँ ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब आर वन बार ये पहला कंपोनेंट और आर टू बार ये दूसरा कंपोनेंट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो अगर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो इस इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट, करेक्ट। तो हम 11th में या 12th में एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न तो हमको सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही फाइंड करने हैं, दैट्स इट। मतलब हम एक वेक्टर के ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे उसके पार्ट्स करेंगे सच दैट ये जो पार्ट्स है दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ तक क्लियर? और नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का पार्ट है, तो जो भी इंजीनियरिंग करेगा वो तब सीखोगे। तो अब फिलहाल 11th और 12th के लिए हमारा टास्क क्या है? टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां तक क्लियर? तो कहीं पे भी नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात ही नहीं होगी। इज दिस क्लियर? राइट। तो अब व्हाट वी विल डू इज, मैं इसको यहां से पहले तो हटा देता हूं, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, ठीक है। अब मैं लेता हूं एक वेक्टर, सम वेक्टर आर बार। मेरे पास एक वेक्टर है आर, मुझे इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है हमको? कंपोनेंट्स। तो उसके लिए एक जनरल प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस समझ लो। ये वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टेल, इसका टेल हमेशा ओरिजिन पे सेट कर देना। मतलब ये वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे क्या लगा दोगे? ओरिजिन, राइट। ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस। तो व्हाइल फाइंडिंग आउट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर मेक श्योर दैट द टेल ऑफ द वेक्टर इज एट ओरिजिन। एक काम करते हैं, इसके हेड को भी नाम दे देते हैं सी, करेक्ट। समझ में आया? व्हाइल फाइंडिंग आउट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर मेक श्योर द टेल ऑफ द वेक्टर इज एट ओरिजिन। नाउ ये जो हेड है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट सी ऑन x-axis and also on y-axis, correct। इसको मैं बोल लूंगा, इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं a, इसको बोल देता हूं मैं b, correct। Then ये जो हमारे पास एक वेक्टर आया o से a तक और एक वेक्टर आया हमारे पास o से b तक, ये जो o से a का वेक्टर है ये किसका पार्ट है? r का, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है? x। तो इसको मैं डिनोट करूंगा r x बार, राइट। और ये जो मेरे पास दूसरा वेक्टर है कौन सा? o से b, ये किसका पार्ट है? r, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है? y। तो हम बोलेंगे r y बार, राइट, करेक्ट। तो पहले हमने ओरिजिन पे रख दिया टेल, फिर हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहां पे? x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो जो x एक्सिस के अलोंग वेक्टर बना उसको बोला आर एक्स बार, और जो y एक्सिस के अलोंग बना उसको बोला आर वाई बार। इसका मतलब कैन वी राइट दिस आर बार एज, याद रखो ये आर बार के कौन से दो टुकड़े किए आपने? आर एक्स एंड आर वाई। तो आर बार को क्या लिखोगे? आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, राइट। अगर नहीं समझना है ऐसा कैसा प्लस लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना है तो इमेजिनेशन बढ़ा लो। ये वेक्टर को मैं यहां रख सकता हूं क्या? यस yes। तो मैं अगर ओ से ए गया, मतलब कौन सा वेक्टर? आर वाई। मैं ए से सी गया, मतलब कौन सा? आर वाई। तो ओ टू ए, ए टू सी, मतलब कौन? तो आर बार इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। यहां तक क्लियर? पक्का?
बट डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है? तो बोलते ना सीरियल आता है कुछ, आई डोंट वॉच एनी सीरियल, लेकिन बीच बीच में कहीं से ऐसा टीवी का जोर से आवाज आ जाता है, क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो इसको आई कैप बोलते हैं? डू यू रिमेम्बर दिस इज कॉल्ड एज आई कैप? डू यू ऑल्सो रिमेम्बर दिस इज कॉल्ड एज जे कैप? मतलब एक्स डायरेक्शन इज आई कैप एंड वाई डायरेक्शन इज जे कैप। तो ये जो आर एक्स बार है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि आर एक्स बार का मैग्नीट्यूड कितना आर एक्स, याद है पी बार का मैग्नीट्यूड कितना पी, लेकिन ये तो वेक्टर है, ये तो उसके अंदर चलेगा क्या ऐसा? नहीं नहीं चलेगा। तो फिर साथ में बताना पड़ेगा डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन आई कैप, मतलब कौन सा डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, और आर वाई बार इसका मैग्नीट्यूड कितना, डायरेक्शन कौन सा जे कैप। देयरफॉर इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन। बाकी लिखने का काम मैं बाद में करूंगा, पहले पूरा आइडिया समझ लो, अच्छे से समझ लो, राइट। तो ध्यान यहाँ पे चाहिए बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आर बार इक्वल टू क्या था, आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, लेकिन आर एक्स बार कौन है और आर वाई बार कौन है, करेक्ट। तो ये जो आया इसको बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर, इसको बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड एज x कंपोनेंट ऑफ r बार, इसको बोलते हैं y कंपोनेंट, किसका y कंपोनेंट r बार का, दिस इज कॉल्ड एज y कंपोनेंट ऑफ r बार। यहां तक हुआ क्या क्लियर, पक्का? क्योंकि इससे आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे पास जो वेक्टर है आर बार, इसका मैग्नीट्यूड है आर, मतलब मैं अभी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड। मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है इन टर्म्स ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसा करेंगे हम बोल देंगे लेट लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय आर बार विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी एक्सिस है, एक्स। तो लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय आर बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस वॉज आर वाई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, अपोजिट, कौन है अपोजिट अपॉन, तो क्या आ गया आर वाई बाय आर। मैंने बोला था साइन हमेशा वाई कंपोनेंट देता है, आ गया वाई कंपोनेंट, यस। तो आर वाई क्या है, ये आर साइन थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, आर एक्स अपॉन आर एक्स अपॉन आर। तो व्हाट इज आर एक्स, आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर थ्री। मैंने आपको बोला कि हमको करना क्या है, हमको r वेक्टर का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ r x एंड r y। डू यू नो देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मेरे पास जो इक्वेशन थ्री एंड फोर है, इन दोनों को मैं स्क्वायर एंड एड कर लेता हूँ, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन थ्री कौन था, आर वाई, इसका क्या किया स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड पे कौन था आर साइन, तो क्या आएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इक्वेशन नंबर फोर कौन है, आर एक्स, इसका स्क्वेयर कर लिया तो आर एक्स स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड पे क्या था आर कॉस थीटा, उसका स्क्वेयर क्या आएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो मुझे ये बताओ कि राइट हैंड साइड से कौन कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा, लेकिन ये कितना होता है, वन होता है, पक्का जीरो नहीं होता। कैन यू प्रूव दिस, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, बताओ कैन यू प्रूव दिस इज वन। चलो कर देते हैं, टेक एनी एंगल फ्रॉम 0, 30, 45, 60, 90, जो पसंद आए वो,
45, चलो ठीक है 45। व्हाट इज साइन 45? 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर कितना 1/2। व्हाट इज कॉस 45? 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर कितना 1/2। व्हाट इज 1/2 प्लस 1/2? करेक्ट। टेक साइन 30, 30 डिग्री ले लो। व्हाट इज साइन 30? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। व्हाट इज कॉस 30? रूट 3/2, उसका स्क्वायर कितना 3/4। 1/4 प्लस 3/4, 4/4 कितना 1। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव, ये 1 आता है। तो देयरफॉर आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। Therefore, taking square root, under root of rx square plus ry square, आ गया? Yes. Correct? Right? ये ऐसा आपको notes में दिया है और आपको ऐसा ही प्रूव करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। जबकि और एक मेथड था, कौन सा मेथड था? दिखता नहीं है हमको ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिखता है क्या? तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या अप्लाई करते हो? तो डायरेक्ट ही आ जाता है वो आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम ये वेक्टर्स के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि नाम क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो फिर हमको ये पूरा प्रोसेस करके प्रूव करना पड़ेगा कि आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये जो वेक्टर मैंने लिया ये था टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल वेक्टर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें कितने कंपोनेंट है? दो। कौन सा? एक्स एंड वाई। मतलब ये वेक्टर ऐसा है इस बोर्ड के प्लेन में, राइट? एक कंपोनेंट है ये एक्स कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट। मेरे पास ऐसा वेक्टर भी हो सकता था, बोर्ड से बाहर आ गया, तो तीन कंपोनेंट आ गए, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई और ये हो गया जेड। तो उस केस में कैसे लिखोगे? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। उस केस में आर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो वो ज्यादा डिटेल हम देखेंगे अगले सेशन में। दैट्स इट फॉर टुडे।